हेलो दोस्तों, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको बहुभुज का टॉपिक। ठीक है, तो बहुभुज पॉलीगन। बहुभुज का मतलब ही आप जानते हो, बहु मतलब बहुत सारी और भुज मतलब भुजाएं। बहुत सारी भुजाएं वाले जो डायग्राम होते हैं उसके अंदर जो सवाल आते हैं वो कौन कौन से सवाल होते हैं वो आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो हेडिंग क्या लिखी हुई है, समबहुभुज। समबहुभुज का मतलब क्या होता है, तो पहले वर्ड पे आते हैं। वर्ड क्या है, सम, और सम का मतलब क्या होता है, समान। समान और बहुत सारी भुजाएं, इसका मतलब है बहुत सारी भुजाओं वाला जो हो उसके अंदर जो चीजें हैं वो सब क्या होनी चाहिए, सम। अब ये बहुत सारी चीजें होती कौन सी है, फिलहाल यहां क्या लिखा हुआ है, भुज। आपको एग्जाम्पल समझाता हूं। एक देखो, अगर एक त्रिभुज हो और त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर समान हो, त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो तो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल। किसी त्रिभुज की अगर तीनों साइड इक्वल हो तो इसका मतलब है उस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 होता ही है। तीनों भुजाएं अगर समान हो तो तीनों कोण जो होंगे वो क्या क्या होंगे ये भी आपको पता ही है। तीनों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, 180। और तीनों के तीनों कोण सेम है इसका मतलब हर एक एंगल कितने कितने डिग्री का हो गया, 60-60 डिग्री का। ठीक है, अब इसकी जगह अगर मैं लिखता हूं ये वाला डायग्राम बनाता हूं, मतलब कौन सा हो गया, स्क्वायर। स्क्वायर के चारों कोणों का योग, तो चारों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, 360 होता है। और हर एक एंगल कितना होता है, तो हर एक एंगल कितना होता है, 90-90 डिग्री का। तो अब वर्ड समझना, वर्ड क्या है, सम। इसका मतलब है अगर भुजाओं की लंबाइयां समान हो तो उसका हर एक कोण जो होता है वो भी क्या होता है, समान होता है। तो सम बहुभुज का एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ, सम बहुभुज का मतलब हुआ कि ऐसा बहुभुज जिसका हर एक कोण और हर एक भुजा क्या हो, इक्वल हो। तो अपन जो टॉपिक में पढ़ने वाले हैं वो सारे कौन से पढ़ने वाले, सम बहुभुज पढ़ने वाले। क्लियर हो गया आपको, चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे देखो, अब बहुभुज होते हैं दो तरीके के। अब बहुभुज दो तरीके में कैसे, तो ये होते हैं इनके टाइप्स, दो टाइप के होते हैं, एक होता है उत्तल बहुभुज और दूसरा कौन सा होता है, अवतल बहुभुज। अब उत्तल बहुभुज किसे कहते हैं, उत्तल मतलब कॉन्वेक्स, और ये आप जानते हो ग्लास जो मिरर वगैरह होते हैं उत्तल और अवतल, तो ये होता है बाहर की साइड में निकला हुआ, और कॉनकेव जो होता है वो कौन सा होता है, अंदर की तरफ वाला। तो अब आते हैं कि एक्चुअल मीनिंग क्या है, तो देखो ये इस तरह की डिजाइन अगर आपको मिल रही है तो इसका मतलब है वो कौन सा वाला बहुभुज होता है, उत्तल बहुभुज। इसका मतलब क्या है, तो मतलब समझना, एक ऐसा बहुभुज जिसका अंदर का जो एंगल बनेंगे जिसे अपन बोलेंगे इनर एंगल, मतलब अंतःकोण। ठीक है, एक ऐसा बहुभुज जिसके जो अंतःकोण है वो 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होता है, क्या होता है, 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होता है। दूसरा, यहां से कोई भी डायगोनल विकर्ण खींचोगे तो सारे विकर्ण आपको अंदर ही मिलेंगे, सभी विकर्ण इनसाइड अंदर ही मिलेंगे, और इसका जो अंतःकोण है वो कोण 180 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, जो भी कोण बनेगा वो 180 से क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर, अब इस तरह आते हैं, इसमें कॉनकेव किसे कहते हैं, तो कॉनकेव का सीधा सा मीनिंग समझना, कॉनकेव का सीधा सा वर्ड पकड़ो तो ये है कि यहां से जो आपको डायग्राम दिख रहा है, अगर मैं यहां से पकड़ के या फिर यहां से एक जोर से मुक्का मार दूं, तो यहां से अगर मुक्का मार दूं तो इसका मतलब हो गया ये अंदर की तरफ आ जाएगा। तो अगर ये अंदर की तरफ आ जाए तो इसका मतलब डिजाइन कैसे बनेगी, अब देखो, अगर मैंने ऊपर से मुक्का मारा है उसको तो डिजाइन कुछ ऐसे बनेगी फिर तो। ठीक है, क्योंकि यहां से अंदर धस गया है तो अंदर की तरफ ऐसे हो गया, तो इस तरह की डिजाइन जहां आपको दिखे जो अंदर की तरफ धसा हुआ हो वो वाला क्या कहलाता है, अवतल बहुभुज। और अवतल बहुभुज की क्या खासियत है, तो इसमें और इसमें क्या कंपैरिजन है, इसमें एंगल जो है वो 180 से सब छोटे होते हैं, और इसमें एक एंगल, सारे नहीं सिर्फ सिंगल एक एंगल आपको अगर 180 से बड़ा दिख जाए, एक एंगल भी अगर 180 से बड़ा दिख जाए तो समझ जाना कौन सा हुआ, अवतल बहुभुज। उसके बाद एक और कंडीशन थी कि इसके विकर्ण, इसके सारे विकर्ण देखो अंदर की तरफ है, इसके विकर्ण चेक करो, तो अगर यहां से मैं विकर्ण बनाने जाऊंगा तो इस यहां से विकर्ण देखो डायगोनल, एक यहां बना, एक यहां बनेगा, लेकिन एक यहां बनेगा, इसका विकर्ण डायग्राम के बाहर निकल गया।
तो अगर विकर्ण अंदर की तरफ है तो उत्तल, और विकर्ण बाहर की तरफ चले जाए तो कौन सा बनेगा? अवतल। ये होती है दो कैटेगरी, उत्तल बहुभुज क्या होता है और अवतल बहुभुज क्या होता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो। अब आपको टॉपिक पे आता हूं मैं, मेन पॉइंट पे, कि इस बहुभुज के टॉपिक में आपको पूछेगा क्या क्या और उनके आंसर निकालते कैसे हैं। तो मैं फॉर्मूले बनाना भी आपको सिखा रहा हूं कि कैसे, और लास्ट में जाके आगे पूरी टेबल, जैसे जो ऑफलाइन मेरे से क्लास में पढ़े हुए होंगे उन्हें पता होगा कि जो क्लास में मैं पढ़ाता हूं पूरी टेबल बनाकर एज इट इज में आपको पूरा का पूरा वही पढ़ाने वाला हूं। तो आगे जाके ये देखो, इस तरह की जो टेबल है वो टेबल आपको मिलने वाली है कि आगे इन टेबल को बना के मैं बता दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको पहले सिखा देता हूं कि ये सब आंसर निकालेंगे कैसे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या, विकर्ण की संख्या, किसी बहुभुज में विकर्ण की संख्या कैसे निकाली जाती है। तो सबसे पहले विकर्ण देखो, ये हो गया ट्राइंगल, ठीक है, ये हो गया स्क्वायर और ये हो गया पेंटागॉन पंचभुज। इसमें देखते हैं विकर्ण की संख्या कि विकर्ण कैसे निकालते हैं। विकर्ण किसे कहते हैं दोस्तों? विकर्ण होता है एक बिंदु से अपने पड़ोसी को छोड़कर अदर बिंदु पर मिलाई गई दो बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन, लेकिन पड़ोसी को छोड़कर। अब यहां से अगर मैं यहां ले जाता हूं पड़ोसी हुआ, यहां से इधर जाऊं तो भी ये पड़ोसी हुआ, तो पड़ोसी को छोड़ के दूसरा तो कुछ बचा ही नहीं है, और पड़ोसी को छोड़कर और कुछ बचा ही नहीं है, तो इसका मतलब होता है त्रिभुज के अंदर विकर्ण नहीं बन सकता। तो त्रिभुज के अंदर विकर्ण की संख्या क्या होगी दोस्तों? जीरो। अब आते हैं सेकंड, इसमें इस वाला में देखा जाए कि विकर्ण कितने बनेंगे। तो देखो इस पॉइंट से शुरू करें तो इस पॉइंट से लगाकर यहां तक एक विकर्ण ये हो गया, और फिर इस पॉइंट से शुरू करें तो इस पॉइंट से लगाकर यहां तक एक विकर्ण ये हो गया। कितने विकर्ण हो गए इसके अंदर? दो विकर्ण हो गए। इस पे आते हैं, इसमें कितने विकर्ण है? तो यहां से पकड़ के चले तो एक तो ये वाला विकर्ण हो गया, एक यहां से ये विकर्ण हो गया, कितने विकर्ण बन गए? दो। फिर ये तो पड़ोसी हो गया, ये इसका पड़ोसी हो गया, तो एक पॉइंट से कितने विकर्ण गए? दो। अब सारे गिनते हैं, सारे कितने हैं? दो हो गए। अब यहां से लेता हूं मैं, ये हो गया तीन, फिर यहीं से वापस ये हो गया चार। कितने हो गए अब तक? चार। इसके यहां से दो गए, इसके यहां से भी दो हो गए, मतलब ये समझ में आना चाहिए आपको कि एक पॉइंट से मैक्सिमम कितने जा रहे हैं। तो एक पॉइंट से मैक्सिमम कितने जा रहे हैं? दो। इस पॉइंट से मैक्सिमम कितने जा रहे हैं? दो। इसका मतलब अब और नहीं जाएगा, तो चार तो हो चुके हैं, अब अपन यहां जाते हैं। यहां ऑलरेडी एक हो चुका है, तो इसका मतलब यहां से एक ही कोई जाने वाला होगा, वो यहां से यहां जाएगा, ठीक है। चार पहले से थे, एक और आ गया, कितने हो गए? पांच। अब यहां दो हो चुके हैं, इस पॉइंट पर दो हो चुके हैं, इस पॉइंट पर दो हो चुके हैं, मतलब सब जगह दो 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 हो चुके हैं। इसका मतलब विकर्ण की संख्या यहां पर खत्म हो चुकी है। तो विकर्ण की संख्या का आंसर कितना है दोस्तों? पांच। अब इसके अंदर विकर्ण कितने थे? दो, और इसके अंदर विकर्ण कितने हैं? पांच है। अब विकर्ण को कैसे पता करें, हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे इसका? तो पॉइंट समझो, यहां पर भुजाओं की संख्या कितनी थी? भुजाओं को अपन नाम देंगे एन, ठीक है, नंबर ऑफ साइड एन, तो भुजाओं की संख्या थी चार। यहां पर भुजाओं की संख्या कितनी है? तो त्रिभुज है तो तीन भुजाएं, ठीक है, और यहां पर पेंटागन पंचभुज है तो भुजाएं कितनी हुई? पांच। उसके बाद यहां पर हर एक पॉइंट से चेक करो आप, हर एक पॉइंट से कितने कितने विकर्ण जा रहे थे, यहां से एक ही नहीं जा रहा है। इस पॉइंट से देखो आप, इस एक पॉइंट, अच्छा पॉइंट कितने होते हैं ये भी ध्यान ना, आप इसमें कितने पॉइंट है, कितने बिंदु है, कितने शीर्ष है, कितने कोण है, कितनी रेखाएं हैं, कितनी भुजाएं हैं, मैंने जितने नाम बोले ना वो सब एक ही है। मतलब कितने बिंदु है? चार बिंदु है। कितनी भुजाएं? चार भुजाएं। कितने कोण है? चार कोण है। यहां पर जो नाम आएगा कितने बिंदु कितनी भुजा, वो सब सेम, संख्या उनकी सेम ही होगी। तो अभी मैं कह रहा हूं यहां से कि कितने बिंदु हुए? चार बिंदु हुए। एक एक बिंदु से कितने कितने विकर्ण दिख रहे हैं आपको? चार बिंदु में हर एक बिंदु से कितना विकर्ण दिख रहा है? एक एक दिख रहा है। तो इस हिसाब से कितने हुए? चार। लेकिन आंसर कितना है? दो। एक एक बिंदु से एक एक गया चार और आंसर है दो, इसका मतलब चार का आधा हुआ दो। इस वाले पॉइंट पे देखो, इस वाले पॉइंट पे यहां से इस पॉइंट पे एक पॉइंट पे कितने विकर्ण जा रहे हैं? दो। अब ये पंचभुज है तो पंचभुज का मतलब पांच भुजाएं, अगर भुजाएं पांच है तो कोण भी पांच होंगे, बिंदु भी पांच ही होंगे। तो एक बिंदु से अगर दो जा रहे हैं तो सारे बिंदु कितने हुए? पांच। एक बिंदु से दो तो पांच बिंदु से कितने हुए? दस। तो इसका मतलब यहां जो दिख रहे हैं वो दस दिख रहे हैं, लेकिन वास्तविक में विकर्ण की संख्या कितनी है? पांच। दस से कितना लाना है? पांच लाना है। तो दस से पांच लाने का मतलब समझो, दस से पांच ही लाना है, इसका मतलब वापस आधा ही हुआ। यहां चार दिख रहे हैं लेकिन यहां कितने? दो। तो इसका मतलब यहां पर भी आधा ही हुआ, मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि आधा करना है।
लेकिन अब पॉइंट ये है कि यहां एक बिंदु से कितने विकर्ण जा रहे हैं ये पता कैसे चलेगा, एक बिंदु से कितने विकर्ण जा रहे हैं ये कैसे पता चलेगा। तो यहां भुजाओं की संख्या कितनी दोस्तों, चार। एक पॉइंट से कितना विकर्ण जा रहा है, एक। भुजाओं की संख्या है चार और एक पॉइंट से विकर्ण जा रहा है एक, वहां से यहां पर कितना डिफरेंस हुआ, तीन का। यहां भुजाओं की संख्या कितनी है, पांच। एक बिंदु से कितने विकर्ण जा रहे हैं, दो। भुजाओं की संख्या पांच, एक बिंदु से जा रहे कितने, दो। कितना डिफरेंस हुआ दोस्तों, तीन का। यहां पर एक बिंदु से कितना जा रहा है, एक भी नहीं जा रहा है। भुजाओं की संख्या कितनी है, तीन। तो एक भी नहीं जा रहा मतलब जीरो जा रहा है, तो तीन और जीरो में डिफरेंस कितना हुआ, तीन। इसका मतलब यह है कि जितनी भुजाओं की संख्या होगी एक पॉइंट से कितने विकर्ण जाएंगे, आप क्या कर लेना, तीन कम कर लो। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं एक बड़े डायग्राम के लिए। मान लो भुजाओं की संख्या 10 है, कितनी है 10। अब एक एक पॉइंट से कितने विकर्ण जाएंगे, तो भुजाएं हैं 10, एक पॉइंट से कितने जाएंगे, तो मैंने क्या बोला, भुजाओं की संख्या में से तीन कम कर दो। तो भुजाएं की संख्या 10, 10 में से तीन करो, कितना हुआ, सात। एक पॉइंट से सात जाने वाले हैं। अच्छा, 10 भुजा वाला है अगर, तो उसमें पॉइंट भी कितने होंगे, 10 ही होंगे। एक पॉइंट से कितने जा रहे हैं, सात। तो पॉइंट अगर सारे 10 पॉइंट है, क्योंकि भुजा 10 है, तो एक पॉइंट से सात गए, तो 10 ही पॉइंट से कितने जाएंगे, 70। लेकिन फाइनल आंसर के लिए क्या कर रहे हैं अपन, फाइनल आंसर के लिए अपन आधा करते हैं, तो 70 का आधा कितना हो गया, 35। अब इसको फॉर्मूले में पिरो देते हैं कि इसका फॉर्मूला कैसे बनता है। तो दोस्तों सबसे पहले अपन ने क्या किया कि एक पॉइंट से कितने विकर्ण जा रहे हैं ये पता करना है। अब एक पॉइंट से कितने विकर्ण जा रहे हैं ये कैसे पता करते हैं, तो जितनी भुजाओं की संख्या हो उससे तीन कम कर दो, जितनी भुजाओं की संख्या हो उससे तीन कम कर दो। ये पता चल गया एक पॉइंट से कितने जा रहे हैं। अब सारे पॉइंट से कितने जाएंगे, तो सारे पॉइंट कितने होंगे, तो सारे पॉइंट, सारे बिंदु, सारे कोण कितने होंगे, जितनी भुजाएं होगी। भुजाओं की संख्या और पॉइंट की संख्या बिल्कुल क्या होते हैं, सेम। इसका मतलब हुआ कि यहां पर एक पॉइंट से जाने वाले ये सारे पॉइंट कितने हैं, जितनी भुजाएं हैं। इसका मतलब भुजाओं की संख्या एन है। फिर क्या करते हैं अपन, तो यहां से इस एग्जांपल को लेके चल रहा हूं। भुजाएं हैं चार, हर एक पॉइंट से कितना गया, एक एक, तो एक 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 चार पॉइंट से कितने हो गए, चार। और फाइनल आंसर के लिए क्या करेंगे, आधा। तो फाइनल आंसर के लिए करेंगे आधा। इसका मतलब हुआ n इंटू एन माइनस थ्री अपॉन टू। ये होता है विकर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला। कैसे बनाए पूरा आपको डिटेल में बता दिया मैंने कि वास्तविकता में विकर्ण की संख्या कहां से आई है। क्लियर हो गया होगा अच्छे से। चलो आगे बढ़े, अब आगे देखो। आगे लिखा है त्रिभुज की संख्या बताओ कि इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी बनेगी। तो त्रिभुज की संख्या, ठीक है, एक 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 आपको सबके अंदर क्लियर करता करता चलता हूं कि त्रिभुज की संख्या कितनी और कहां से आएगी, ये भी पॉइंट बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो देखो त्रिभुज की संख्या, सबसे पहले एक ऑलरेडी त्रिभुज है तो इसके अंदर त्रिभुज की संख्या और कितनी दिख रही है आपको। तो त्रिभुज है तो त्रिभुज की संख्या इसके अंदर कितनी हुई, एन, सॉरी त्रिभुज की संख्या कितनी हुई, एक। अच्छा यहां मैं एन लिखना भूल गया हूं, वापस लिख देता हूं। एन मतलब भुजाओं की संख्या कितनी हुई, तीन। यहां पर भुजाओं की संख्या कितनी है, चार। और यहां पर भुजाओं की संख्या कितनी है दोस्तों, पांच। ठीक है, अब त्रिभुज, इसके अंदर एक त्रिभुज है, इसके अंदर त्रिभुज कितने हैं, तो इसके अंदर त्रिभुज कितने हैं ये पता करेंगे कैसे, जब अपन यहां से विकर्ण के लाइन खींचेंगे। तो यहां से मैं एक विकर्ण खींच लेता हूं, ये वाला एक, ये हो गया। अब विकर्ण तो इधर से इधर भी होता है, जो अपन ने अभी पढ़ा है कि इधर से इधर भी तो विकर्ण ही होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इस एक लाइन खींचने से तो दो बने थे, अब इस लाइन के खींचने से कितने बन गए, चार बन गए। लेकिन हुआ क्या है कि इधर से इधर जाने से ये फर्क क्या पड़ा है, पहले दो त्रिभुज अब चार हो गए, लेकिन उसने पहले वाले त्रिभुज को ही काट दिया है। तो अगर अपन त्रिभुज की संख्या ही याद कर रहे हैं तो कभी भी एक विकर्ण को दूसरा विकर्ण नहीं काटे, बस आपको ये ध्यान रखना है, एक विकर्ण को दूसरा विकर्ण नहीं काटना चाहिए। तो इसका मतलब है आपका डिजाइन सिर्फ ऐसे बनानी है। तो अभी यहां पर देखो ये विकर्ण इधर से नहीं आएगा क्योंकि कट रहा है इससे, इसलिए यहां पर एक ही विकर्ण डालेंगे। तो त्रिभुज की संख्या कितनी हुई, तो त्रिभुज की संख्या हुई यहां पर दो, कितने त्रिभुज बन गए, दो त्रिभुज। नेक्स्ट वाला देखो, इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, तो यहां से एक पॉइंट से पकड़ के विकर्ण खींचते हैं, ये हो गया यहां से एक विकर्ण, ये वाला हो गया दूसरा विकर्ण। अब इधर विकर्ण नहीं आएगा और क्रॉस अपन को करना ही नहीं है। तो यहां पर त्रिभुज की संख्या देखो कितनी है, त्रिभुज ये रहा एक, ये दो और ये तीन, कितने त्रिभुज बने दोस्तों, तीन त्रिभुज।
अब त्रिभुज की संख्या को कैसे याद रखोगे, त्रिभुज कितने होंगे कैसे पता करोगे, उसके लिए है ये। यहां पर n का मान, भुजा का मान कितना दोस्तों, 3, तो त्रिभुज की संख्या 1, भुजा 4, त्रिभुज 2, भुजा 5, त्रिभुज कितने हैं 3। अब यहां से यहां कंपेयर कर लो कि इन सब में कंपेयर करके देख लो यहां पर क्या हो रहा है। तो यहां सब जगह भुजा की संख्या और त्रिभुज की संख्या में कितना अंतर है दोस्तों, 2 का अंतर है। ठीक है, इसका मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा, तो त्रिभुज की संख्या कभी भी याद करनी हो तो फॉर्मूला बनेगा जितनी भुजाएं हो उन भुजा से 2 कम कर दो, बात खत्म। जितने भुजाएं हो उससे 2 कम कर दो तो उससे पता चल जाएगा त्रिभुज कितने बनने वाले हैं। अब यहां पर आते हैं, अगर मैं आपको बोलूं 15 भुजाओं वाला है, कितने भुजाओं वाला 15, अगर भुजाएं 15 हो तो त्रिभुज कितने होंगे, 2 कम कर दो 13। और अगर मैं रिवर्स बोलूं आपको कि त्रिभुज की संख्या 13 है तो भुजाएं की संख्या कितनी होगी, तो त्रिभुज अगर 13 है तो भुजाएं 2 ज्यादा होगी, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल है, सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा, तो सभी अंतःकोणों का योग जो इनर एंगल बनेंगे सारे उन सब का योग कितना होगा। अभी बनाते हैं इसका योग। देखो आपको मैंने पहले ही बोला है कि अपन पढ़ रहे हैं सम बहुभुज, सारी भुजाएं इक्वल है, तो यहां पर अगर तीनों भुजाएं इक्वल है तो इसका मतलब ये वाला हुआ समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में तो तीनों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, 180 होता है। कितना होता है 180। सेकंड वाला आपको दिख रहा है कि चारों भुजाएं अगर इक्वल है तो चारों भुजाएं इक्वल हो तो क्या बन गया स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर, और स्क्वायर के चारों कोणों का योग, तो स्क्वायर में यहां पर 90 डिग्री का एंगल होता है तो 90 कितनी बार, 4 बार, तो सभी कोणों का योग कितना हुआ 360 हुआ। यहां तक तो सबको पता होता है, लेकिन जैसे ही गाड़ी आगे आगे बढ़ती है और फिर अपना आंसर धीरे धीरे अपन भूल जाते हैं कि अब कैसे निकालेंगे। तो यहां पर कितने भुजाओं वाला है, 5 भुजाओं वाला है। अब 5 भुजा वाले में कैसे पता करें कि इसमें सभी अंतःकोणों का योग कितना, अंतःकोण मतलब अंदर वाले एंगल, उनका योग कितना होगा, तो इसके लिए एक टेक्निक लगाओ, और वो टेक्निक क्या है वो देखो। जैसे देखो क्या करना रहता है, क्या करना होगा अपन को, सबसे पहले तो आप देखो एक त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, त्रिभुज के 180 है। अभी आपको इससे पहले मैंने आपको त्रिभुज गिनना सिखाया था कि त्रिभुज कितने हैं, अगर अपन को यह पता चल जाए त्रिभुज कितने हैं तो अपन उसका योग भी निकाल सकते हैं। एक त्रिभुज बन रहा है तो एक त्रिभुज है तो त्रिभुज एक ही है, और एक त्रिभुज के सभी अंतकोणों का योग 180 होता है तो इसका आंसर कितना हुआ, 180 आया। ठीक है, अब सेकंड वाला क्या है, सेकंड बन रहा है स्क्वायर। अब सेकंड स्क्वायर में आप देखो यहां से अपन ने अभी ये यहां से यहां तक क्या किया था, डायगोनल विकर्ण खींचा था और त्रिभुज की संख्या ज्ञात की थी अपन ने पिछले वीडियो, अभी वीडियो क्या इस जस्ट पिछले स्लाइड पे। अब यहां से आप देखो इसके खींचने से कितने त्रिभुज बन गए, 2। कितने त्रिभुज बने, 2। यहां से ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला, ये जो तीनों है यहां से ये तीनों कोण, तीनों कोणों का योग कितना होगा दोस्तों, तो त्रिभुज बन रहा है तो त्रिभुज में तीनों कोणों का योग तो 180 होता है। इधर वाला जो त्रिभुज है इसमें इन तीनों कोणों का योग यहां से यहां तक इसका योग कितना होगा, 180 होगा। है तो सब अंदर वाले ही है, और अंदर वाले सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, तो इसका मतलब 180 इधर वालों का ना 180 इधर वालों का दोनों को मिला लिया जाए तो मिला लिया जाए का मतलब यह हुआ कि इसके अंदर 2 त्रिभुज है और एक त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग 180 होता है तो 2 त्रिभुज के हिसाब से इसका योग 360 हुआ। तो काम तो अपना आसान हो गया कि अगर आपको त्रिभुज की संख्या पता हो तो सभी अंतःकोणों का योग तो आराम से निकाल सकते हो। करना है क्या, 180 से गुणे करना है, जितने अंदर त्रिभुज उसको 180 से गुणा। अच्छा त्रिभुज कितने होते हैं ये कैसे पढ़ा अपने, अभी आगे अपने पढ़ा था कि जितनी भुजाएं होती है उससे 2 कम कर दो, जितनी भुजाएं हैं उससे 2 कम कर दो, भुजाओं में से 2 कम करने से क्या मिल जाएंगे, त्रिभुज मिल जाएंगे, और जितने त्रिभुज मिल जाएंगे उसको 180 से गुणा कर दो तो सभी अंतकोणों का योग मिल जाएगा। अब आ जाओ थर्ड वाले में, थर्ड वाला में देखो कितने त्रिभुज है, तो यहां से भुजाएं कितनी है दोस्तों, वैसे तो आपको पता है भुजाएं कितनी है, 5 भुजाएं हैं, 5, 5 में से क्या कम करो 2, 5 में से 2 कम करो कितने हुए 3, तो त्रिभुज की संख्या कितनी आएगी, 3 आएगी। अब त्रिभुज की संख्या 3, एक बार फिर भी मैं आपको वापस बता रहा हूं, ये यहां से हम विकर्ण खींचा 1, यहां से हम विकर्ण खींचा 2, कितने विकर्ण खींच लिए 2, और 2 विकर्ण खींचने से त्रिभुज कितने बन गए 3, तो 3 त्रिभुज बन गए।
एक त्रिभुज का योग होता है 180, तो तीन त्रिभुज का योग कितना हुआ 540, 18 3 54। ठीक है, अब आप देखो कि सभी अंतकोणों का योग का अगर आपको कोई फॉर्मूला पूछे कि इसका फॉर्मूला कहां से आएगा बताओ, तो आप हर एक में, अच्छा ये ध्यान ना, अभी तक मैं पढ़ा रहा हूं इतना डिटेल में जाने का कारण क्या है, इसका कारण है आप फॉर्मूले खुद बनाओ, आपको पता चले कि फॉर्मूले बने कैसे हैं, तो ये चीज आपको मैं सिखा रहा हूं। तो अब देखो यहां जैसे मैं सेकंड वाले की बात करता हूं, ठीक है, सेकंड वाले से लेता हूं कि सभी अंतकोणों का योग निकालना है, तो सबसे पहले क्या पता करेंगे, सबसे पहले पता करेंगे इसके अंदर त्रिभुज कितने हैं, क्या पता करेंगे त्रिभुज कितने हैं, चार भुजा वाला है तो त्रिभुज कितने हुए 2। कैसे निकाला था अपन त्रिभुज की संख्या, भुजाओं की संख्या में से 2 कम कर दो, भुजाओं की संख्या में से 2 कम कर दो, ये त्रिभुज की संख्या आ गई। उसके बाद एक त्रिभुज के सभी अंतकोणों का योग 180 होता है, तो उसको गुणा कर दो 180 से, ये हो गया फॉर्मूला खत्म। अगर सवाल आता है सभी अंतकोणों का योग 1260 है, बताओ भुजाओं की संख्या कितनी है, उस समय ये काम आएगा। लेकिन किताबों में आप फॉर्मूला चेक करना कि सभी अंतकोणों का योग का फॉर्मूला क्या है, तो ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा। वो क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में डाल देते हैं, लैंग्वेज मतलब जो अपना राइट एंगल होता है, मतलब बोले तो समकोण, समकोण कितना डिग्री का होता है दोस्तों, 90 डिग्री का, तो समकोण होता है 90 डिग्री, तो 180 का मतलब कितने समकोण हो गए, 2 समकोण हो गए, तो यहां से इसको चेंज करके ऐसा लिखा जाता है n-2 इंटू 2 समकोण, n-2 इंटू 2 समकोण, क्लियर, 2 समकोण मतलब 180। अब इस 2 को भी क्या करते हैं वो लोग, इसको 2 को अंदर डाल देते हैं, ठीक है, अगर 2 को अंदर डालना मतलब अंदर वाले से गुणा करना, तो 2 का n से गुणा हो दिया है 2n-2 इंटू 2 कितना हो गया 4, और इंटू यहां पीछे क्या आ जाएगा समकोण, क्योंकि 2 तो अंदर चला गया। तो आपको फॉर्मूला जहां पर भी दिखेगा कुछ ऐसा नजर आएगा कि यहां सभी अंतकोणों का योग का फॉर्मूला क्या है, लेकिन अगर फॉर्मूला पूछे ना तो ही ये लगाना, अगर आपको सवाल दे रहा है कोई तो सवाल तो आप हमेशा इससे ही करना, याद रखना, क्योंकि सवाल में वापस वही समकोण नहीं है, इतना बड़ी संख्या लाने की जरूरत नहीं है, सीधा सा यहां पहुंचना आपका काम तो हो जाएगा, क्लियर हो, ठीक है। अब आगे आते हैं नीचे, यहां क्या लिखा है, प्रत्येक अंतकोण का मान क्या है। अब समझो जब आपका सभी अंतकोणों का मान पता है तो प्रत्येक अंतकोण में करना है क्या है, यहां सभी अंतकोणों का योग कितना 180, अब 180 कितने कोणों का मान है, तो अंदर कितने कोण है त्रिभुज है, तो त्रिभुज तीन भुजा वाला मतलब तीन कोण होंगे, तो 180 को तीन में बांट दो, तो 180 को तीन में बांट दो, तो एक एक कोण कितना हो गया 60-60 का हो गया। फिर है सेकंड कितना 360, सभी अंतकोणों का योग 360 है और कोण कितने हैं अंदर 4, तो इसका मतलब एक एक कोण का मान कितना हो गया 90-90 का। तो प्रत्येक अंतकोण कैसे निकालेंगे दोस्तों, सभी अंतकोणों का जो योग होगा उसमें भुजाओं की संख्या का भाग लगा दो, सभी अंतकोणों के योग में भुजाओं की संख्या का भाग लगा दो। लेकिन ये तो मैं इधर सिस्टम पढ़ा रहा हूं इधर से, इसलिए ऐसे बता रहा हूं, एग्जाम में अगर अंतकोण का मान सभी अंतकोणों का योग कुछ भी आए तो इधर से करने की नौबत नहीं आएगी। मैं आपको इसके जस्ट बाद आगे बहिष्कोण पढ़ाने वाला हूं, और सबसे शानदार, बहुत शानदार तरीका है बहिष्कोण से अंतकोण को लाने का, इसलिए आप बहिष्कोण से करना, ये तो फिलहाल अपन को फॉर्मूले समझाने मैंने इसलिए आपको ये सब पढ़ा रहा हूं। अभी है देखो यहां सभी अंतकोणों का योग कितना है 540, अब 540 सभी अंतकोणों का योग है, यहां कोण कितने हैं 5, तो 5 कोण है तो भाग लगाएंगे कितना आएगा 108 डिग्री, कितना है दोस्तों 108 डिग्री। इसका मतलब होगा प्रत्येक अंतकोण निकालना है तो क्या करो, सभी अंतकोणों के योग में आपके जितने कोण है कोण उतने होंगे जितनी भुजाएं हैं, तो इसका मतलब भुजा को अपन किससे लिखते हैं एन से, तो करना क्या सिर्फ एन का भाग लगाओ। तो अगर आपको फॉर्मूला पूछे सिर्फ कि प्रत्येक अंतकोण का मान बताओ, तो क्या फॉर्मूला लिखोगे 2n-4, ठीक है, अपॉन में भाग लगा दो एन और पीछे लिख दो समकोण। अब समकोण को सेंटर में लिखो या ऊपर लिखो उससे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, ठीक है, तो 2n-4 अपॉन एन इंटू क्या आ जाएगा समकोण, ये होता है प्रत्येक अंतकोण का मान, क्लियर हो गया होगा आई थिंक, ठीक है। पूरा डिटेल में ले जा रहा हूं आपको, कभी भी भविष्य में एक बार बस पढ़ लो आप, कभी भी ऐसा नहीं लगे कि या भूल गए हो, ठीक है, कहां से आया एक एक चीज आपको मैं समझा रहा हूं। चलो लास्ट अब एक चीज आई है और वो है बहिष्कोण, उसके बाद अब अपनी टेबल आ जाएगी। तो यहां सभी बहिष्कोण का योग, ठीक है,
अब सभी बहिष्कोण का योग लेना है तो वापस आपको मैं वही लाता हूं, एक एक चीज को समझाते समझाते कि ट्राइंगल में कैसे होता है, स्क्वायर में कैसे होता है और बहुभुज में कौन सा पंचभुज, इसमें कैसे क्या करेंगे। चलो आ जाते हैं, अब आते हैं कि इसमें सभी बहिष्कोण का मान। तो पहले दोस्तों ये सीखो बहिष्कोण होता है क्या है। बहिष्कोण का मतलब है ये वाला, बाहर वाला, मतलब किसी भी डायग्राम, किसी भी आकृति की एक भुजा को अगर बढ़ाया जाए, किसी भी आकृति की एक साइड, एक भुजा को बढ़ाया जाए तो बाहर की तरफ बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, बहिष्कोण, ठीक है, आउटर एंगल। अब बहिष्कोण कितना होगा तो ये सब डिपेंड करता है कि अंतःकोण कितना होगा। अगर आपको अंतःकोण पता है तो बहिष्कोण आराम से आ जाएगा, क्योंकि एक लाइन, सीधी लाइन बन रही है और सीधी लाइन पे बनने वाला कोण कितना होता है ये आप सबको पता है, 180 होता है। अगर त्रिभुज में अपन कौन सा त्रिभुज, ये बहुभुज पढ़ रहे हैं, समबहुभुज, मतलब सभी भुजाएं समान, सभी कोण समान, तो अंदर वाला कोण कितना आया, 60 डिग्री। अगर अंदर का कोण 60 डिग्री है तो बाहर का कोण तो फिर तो पता चल ही गया कि बाहर का कोण कितना होने वाला है, 120 डिग्री। अब आते हैं कि सभी बहिष्कोण, तो बहिष्कोण कितने हुए, तो एक भुजा बढ़ाओगे तो एक बहिष्कोण, दूसरी भुजा बढ़ाओगे तो दूसरा बहिष्कोण, और तीसरी भुजा बढ़ाओगे तो तीसरा बहिष्कोण, तो कितने बहिष्कोण हुए, 3, ठीक है। इस भुजा को इधर बढ़ाएं, इस भुजा को उधर बढ़ाएं, इस भुजा को उधर बढ़ाएं, तो बहिष्कोण कितने बन गए दोस्तों, 3। एक बहिष्कोण जितना होगा सारे बहिष्कोण उसी साइज के होंगे, तो 120 120 120, ठीक है, 120 120 के कितने बहिष्कोण हो गए, 3, तो 120 120 के हो गए 3 बहिष्कोण, तो 12 × 3 12 × 3 = 36, तो 360 डिग्री ये हो गया बहिष्कोण। सेकंड पे आते हैं, अगर मैं इस बार इस भुजा को इधर बढ़ाता हूं, ये भुजा इधर बढ़ेगी, ये भुजा इधर बढ़ेगी, तो ये भुजा इधर बढ़ेगी, मतलब एक को अगर आप एंटी क्लॉकवाइज बढ़ा रहे हो तो सबको एंटी क्लॉकवाइज बढ़ाओ, और अगर क्लॉकवाइज बढ़ा रहे हो तो सबको फिर क्लॉकवाइज बढ़ाओ। तो अभी यहां पर अंदर का कोण कितना दोस्तों, 90, तो बाहर का कोण कितना हुआ, वो भी 90 हुआ, तो अंदर 90 तो बाहर भी 90 हुआ, ये 90 डिग्री। और एक बहिष्कोण अगर आपको पता चल गया तो समझ जाओ सारे बहिष्कोण वही आने वाले हैं, मतलब 90 90, और 90 90 के आपको कितने बहिष्कोण दिख रहे हैं यहां पर, 4, तो 90 90 डिग्री के 4 बहिष्कोण है, तो 90 90 चार बार कितना हो गया, 360 डिग्री, 90 90 चार बार 360 डिग्री। चलो आगे बढ़ते हैं और इस वाले पे आते हैं। अब यहां पर है पंचभुज, और पंचभुज का अंतःकोण कितना था एक बार याद करना पड़ेगा आपको, अंतःकोण कितना है तो बहिष्कोण आ जाएगा। अब अंतःकोण कितना है, इस पॉइंट पे आता हूं मैं कि अंतःकोण अपने कैसे निकाला था, आपको याद दिला रहा हूं वापस, अपने क्या किया था, पहले सभी अंतःकोणों का मान निकाला था, सभी अंतःकोणों के मान में जितने कोण है उसका भाग लगाया था। सभी अंतःकोण का मान कैसे निकाला, तो सभी अंतःकोण का मान निकाला था अपन ने जितने त्रिभुज होंगे उसको 180 से गुणा किया था। कितने भुजा वाला ये, 5, 5 भुजा वाले में त्रिभुज कितने होंगे, 2 कम कर दो, तो 5 में से 2 कम करो कितना आया, 3, तो 3 क्या हुए, त्रिभुज। एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180, तो सभी का अंतःकोणों का योग कितना हो गया, 3 × 180, ठीक है, मतलब 540। अब इसके अंदर कोण कितने हैं, 5, तो एक एक कोण कितने का हुआ, तो 5 का भाग लगा दो, 5 का भाग लगाओगे तो ये जाएगा कितना, 36, और 36 × 3 आया 108। आगे पढ़ा चुका हूं, बस आपको याद दिलाने के लिए वापस कर रहा हूं, 108 इसका मतलब हुआ कि अंदर का कोण आया 108, तो बाहर कितना आएगा, तो अंतःकोण और बहिष्कोण का मान, एक अंतःकोण और एक बहिष्कोण का मान कितना होता है दोस्तों, 180 होता है, क्योंकि सीधी लाइन है। तो अगर अंदर वाला 108 है तो बाहर वाला कितना हुआ, बाहर वाला बनेगा 72 डिग्री, 72 डिग्री का हुआ। तो अंदर अगर 108 है तो बाहर वाला 72 हुआ। एक बहिष्कोण पता चल जाए तो आप समझ सकते हो, एक बहिष्कोण पता चल जाए तो सारे बहिष्कोण उसी साइज के होते हैं, तो एक बहिष्कोण कितने है, 72 का। तो ऐसे कितने बहिष्कोण है, 5 भुजा वाला है तो 5 बहिष्कोण होंगे, और 72 का 5 से गुणा करोगे तो 360 आएगा, कितना आया, 360। ये बहिष्कोण और ये बहिष्कोण, ठीक है, कुछ समझ आया आपको। तो सभी बहिष्कोण का मान देख लो कितना आ रहा है, 360 डिग्री। इसका मतलब है कि सभी बहिष्कोण जो होते हैं उनका मान 360 डिग्री होता है। इसलिए सबसे शानदार यही है कि इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा हर एक तरह के सवाल में। अब आते हैं कि 360 को अगर भाषा के रूप में लिखें, लैंग्वेज में, तो क्या लिखेंगे, जैसे उसको समकोण में लिखा था, एक समकोण मतलब कितना हुआ, 90 डिग्री, यहां कितना है, 360, तो एक समकोण अगर 90 डिग्री है तो 360 का मतलब कितने समकोण हुए, 4 समकोण हुए फिर तो,
ठीक है, एक हुआ 90 डिग्री, तो 360 का मतलब हो गया 4 समकोण। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है प्रत्येक बहिष्कोण का मान बताओ। ठीक है, प्रत्येक बहिष्कोण, अब आपको सभी बहिष्कोण पता है तो प्रत्येक बहिष्कोण निकालना तो आसान हो गया फिर तो यहां से प्रत्येक बहिष्कोण का मान कैसे निकालेंगे, तो जितना सभी बहिष्कोण का मान है उसके अंदर जितने बहिष्कोण होते हैं उसका भाग लगा दो। त्रिभुज में कितने बहिष्कोण हुए, 3, तो इसका मतलब 3 का भाग लगा दो। ठीक है, और ऑलरेडी अपन तो कर चुके हैं, ये रहे सभी बहिष्कोण आपको दिख रहे हैं, प्रत्येक बहिष्कोण से ही अपन ने सभी बहिष्कोण निकाले हैं। अब मैं कह रहा हूं कि सभी बहिष्कोण से प्रत्येक निकालो, तो बात तो वही एक ही हो गई, सभी बहिष्कोण होते 360, उसमें किसका भाग लगा दिया, जितने आपके कोण है, कोण कितने होते हैं, जितनी भुजाएं हैं, तो अंतःकोण कितने होंगे, जितनी भुजाएं, बहिष्कोण कितने होंगे, जितनी भुजाएं, कोण कितने होंगे, जितनी भुजाएं, इसका मतलब भुजा बिंदु शीर्ष ये आपको शुरू से पढ़ा रहा हूं वो सब सेम ही होते हैं। अब आता हूं कि 3 का भाग लगाऊंगा तो एक एक पता चल जाएगा कि एक एक कितना आने वाला है, तो 3 का भाग लगाने कितना आया, 120 डिग्री, मतलब त्रिभुज का जो बहिष्कोण बनता है वो 120 बनेगा। अगर यहां पर भुजा कोई ज्यादा होती, मतलब 8 भुजा वाला होता, सोचो 8 भुजा वाला होता और उसमें अगर प्रत्येक बहिष्कोण का मान निकालना होता तो 8 भुजा वाला होता तो भाग भी 8 का लगाते, सीधा सा है, 8 चौक 32, 4 बार, उसका कितना आया 40, 40 में कितनी बार, 5 बार, इसका मतलब 8 भुजा वाला अष्टभुज अगर होता तो अष्टभुज होता तो उसका प्रत्येक बहिष्कोण कितने डिग्री का होता, 45 डिग्री का होता। सबसे शानदार बहुभुज का जो फॉर्मूला है ना वो ये है, ठीक है, इसको मैं अलग से लिख रहा हूं कि ये फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रत्येक बहिष्कोण का सभी बहिष्कोणों का योग, सभी बहिष्कोणों का योग कितना, 360, उसके बाद यहां किसका भाग लगाना है, जितनी भुजा हो उससे क्या आ जाएगा, बहिष्कोण, और अगर बहिष्कोण आ जाए तो समझ जाओ आपका अंतःकोण भी आ जाएगा, तो बहिष्कोण आ जाए तो अंतःकोण आ जाएगा, और अगर एक अंतःकोण आ गया तो सभी अंतःकोणों का योग भी आ जाएगा। तो इसका मतलब आगे से जितना आपने अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण, बहिष्कोण, प्रत्येक बहिष्कोण सब पढ़ा वो सब इस एक फॉर्मूले में सब समा गया। तो अब आपको बताता हूं आगे वाला, तो इसमें देखो इस फॉर्मूले को लिख रहा हूं मैं, प्रत्येक बहिष्कोण का मान, तो प्रत्येक बहिष्कोण का मान अगर ज्ञात करें तो क्या फॉर्मूला बनेगा, 360 डिग्री बटा भुजा या भुजाएं, जितनी भुजाएं है वो। अब किसी सवाल में अगर आपको भुजाएं पता करनी है तो क्या हेल्प मिल जाएगी, अब आपका यही फॉर्मूला यहां काम आ जाएगा, अगर आपको भुजाएं ज्ञात करनी रहेगी तो क्या रहेगा, 360 में आप इसको अगर इधर लाना है तो इसको इधर लेके चले जाना, मतलब प्रत्येक बहिष्कोण को नीचे ले आना, अगर प्रत्येक बहिष्कोण नीचे आ जाएगा तो हो गया ना आपका काम, तो प्रत्येक बहिष्कोण का भाग लगाते ही सीधा क्या ज्ञात हो जाएगा, भुजाएं ज्ञात हो जाएगी। और ध्यान रखना ये एक सीधी लाइन, सीधी लाइन के अंदर अगर ये अंतःकोण है तो ये वाला क्या हो गया, बहिष्कोण, तो एक अंतःकोण और एक बहिष्कोण का योग कितना होता है, 180 होता है। तो अगर बहिष्कोण पता है तो अंतःकोण आ जाएगा, और एक अंतःकोण आ गया तो सभी अंतःकोणों का योग भी आ जाएगा। क्लियर, चलो अब आते हैं आपके जो मेन टेबल है उस टेबल पे, मैं आपको एक एक चीज पूरे टेबल पे करके बता देता हूं कि इसका आंसर क्या क्या आएगा। अब आपका जितना पढ़ा है उस सबको एक टेबल में लेके आ रहा हूं, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। रेखाएं, यहां लिखा है रेखाएं, कोण, शीर्ष, बिंदु, भुजा, ये सब एक ही बात है, मतलब सबका आंसर किससे आने वाला है, एन से आएगा, तो एन का मतलब इनका कोई भी पूछे सब एन ही है, ठीक है। अब त्रिभुज में कितनी भुजाएं हुई, कोण हुए 3, वर्ग में हुए 4, पंचभुज में 5, और यहां षटभुज में, षटभुज में कितने हो गए 6, ठीक है, 3 4 5 6। विकर्ण की संख्या, विकर्ण की संख्या आपने कैसा निकाली थी, अब पूरा याद कर लो वापस, विकर्ण की संख्या कैसा निकाली थी, जितने भुजाएं हैं, जितनी भुजाएं हैं उस एक एक भुजा, उससे जितनी भुजाएं हैं उससे 3 कम करो, जितनी भुजाएं हैं उससे 3 कम करो, और ये क्या पता चला, एक पॉइंट से जाने वाले विकर्ण की संख्या, एक पॉइंट से सारे पॉइंट कितने होंगे, जितनी भुजाएं होगी, मतलब एन, एन इंटू एन माइनस 3, ठीक है, और अपन फिर क्या करते, अपन आधा कर रहे थे, तो n into n minus 3 upon 2, इसमें विकर्ण की संख्या कितनी हुई, तो 3 में से ही 3 जाएगा तो 0 आ जाएगा। सेकंड वाले में कितने, तो 4 भुजाएं हैं, 4 में से 3 कम करो, 1, 1 पॉइंट से 1, तो 4 पॉइंट से 4, उसका आधा कितना आया 2। 5 भुजा वाले में कितनी भुजा हुई, 5, 1 पॉइंट से कितने जाएंगे 3 कम करो 2, तो 1 पॉइंट से जाएंगे 2, पॉइंट है 5, 5 दूनी 10, 10 का आधा 5, यहां विकर्ण की संख्या आएगी 5।
छह भुजा वाले में सोचो, छह भुजाएं हैं, तीन काम करो, कितने बचे? तीन, मतलब एक पॉइंट से जाएंगे तीन। अब छह भुजा में वाले में पॉइंट कितने होंगे? छह, एक पॉइंट से कितने जा रहे हैं? तीन, तो छह इंटू तीन कितना हुआ? अठारह, और अठारह का आधा करेंगे कितना आएगा? नौ। ठीक है, ये थे विकर्ण की संख्या। अब आते हैं त्रिभुज की संख्या। त्रिभुज की संख्या तो सबसे आसान थी। त्रिभुज की संख्या में क्या करना है? जितनी भुजाओं की संख्या है उससे दो कम करना है। तो भुजाओं की संख्या से दो कम करो, तो भुजाओं की संख्या है तीन, तो यहां पर दो कम करो, कितना आया? एक। मतलब भुजाओं की संख्या n, उससे कम करो कितना? दो। इससे पता चल जाता है त्रिभुज की संख्या कितनी आने वाली। फिर है भुजाएं चार, तो चार में से दो कम करो, दो। फिर भुजाएं पांच, दो कम करो, तीन। भुजाएं छह, दो कम करो, कितना आया? चार। ये हो गए त्रिभुज की संख्या। फिर है सभी अंतकोणों का योग। सभी अंतकोणों का योग का फॉर्मूला क्या था दोस्तों? जितने त्रिभुज हो उसको एक सौ से गुणा कर लो। जितने त्रिभुज हो उसको 180 से गुणा कर लो। तो यहां पर एक त्रिभुज 180 से गुणा करो, 180 आएगा। दो त्रिभुज 360 आएगा। ठीक है, तीन त्रिभुज तो 18 × 3 = 54 540 आएगा। यहाँ कितने त्रिभुज? चार, तो 18 × 4 = 72 720 आएगा। ये हो गया सभी अंतकोणों का योग। आगे बढ़ते हैं, प्रत्येक अंतकोण का मान। तो प्रत्येक अंतकोण के लिए क्या करेंगे? जितने त्रिभुज है उसको 180 से गुणा किया, तो ये आ गया सभी अंतकोणों का योग। इसके अंदर भाग लगा दो जितना कोण हो, और कोण कितने होते हैं? जितनी भुजाएं होती है, मतलब एन। अब यहां पर 180 है, तो 180 में कितने कोण हुए? तीन, तो एक एक कोण हुआ 60। यहाँ कितने हैं? 360। कितने कोण हुए? चार, तो ये 90। यहाँ कितने हैं? 540। 540 में कितना? पाँच, कितना आया? 108। यहाँ कितना है? 720। 720 में कितने कोण है? छः, छः कोण का मतलब कितना आया? 120। क्लियर, आगे बढ़ो। सभी बहिष्कोण का योग। सभी बहिष्कोण का योग तो कुछ सोचना ही नहीं है, सभी बहिष्कोण का योग हमेशा कितना होता है? 360 होता है। तो सभी बहिष्कोण का योग ये हो गया 360 डिग्री। ठीक है, और यहां लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? यहां लिखने के फॉर्मूला क्या बनाना? आप तो सीधा लिखो, अपने जब एग्जाम में काम है सीधा, किसी को सुनाना थोड़ी है। अब आते हैं प्रत्येक बहिष्कोण का मान। तो प्रत्येक बहिष्कोण का मान कैसे निकाला? तो प्रत्येक बहिष्कोण का मान निकाला था कि सभी बहिष्कोण का योग हो उसमें जितने कोण होंगे, कोण कितने होंगे? जितनी भुजाएं होंगी। तो इसका मतलब है भुजाओं की संख्या को भाग लगा दो, क्या निकल जाएगा? प्रत्येक बहिष्कोण। तो यहां पर 360, भुजाएं कितनी है? तीन, तो तीन भुजा 120। और वैसे तो आप देखो अंतकोण पता है तो बहिष्कोण भी तो आ सकता वहीं से, क्योंकि अंतकोण पता है तो बहिष्कोण वहीं से उठा के ले आओ। जैसे ये 90, ठीक है, अब वो 90 है, तो इसका मतलब एक अंतकोण और एक बहिष्कोण 180 होता है। अगर वो 90 है तो ये भी 90 आएगा। ठीक है, और ये अगर 108 है तो इधर वाला 72 आएगा। ये अगर 120 है तो ये वाला 60 आएगा। भले आप भाग लगा के लाओ तो भी वही है, और इधर से लाओ तो भी वही है। क्लियर, यही टेबल आप देख लेना, पूरी चेक कर लेना, मैंने क्लास में आपको यही टेबल पढ़ी होगी। क्लियर, चलो अब आती है सवालों की बारी। तो अब अपन चेक करते हैं एक एक सवाल, किस सवाल कैसे आते हैं और क्या करना है। वैसे तो जितना पढ़ा है ना आपने, आपके सवाल यूं समझो उसके अंदर हो चुके हैं, फिर भी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो अब आते हैं, 10 भुजा वाले बहुभुज में विकर्ण की संख्या कितनी है? तो 10 भुजा है, मतलब एन का मान 10 आया। अब वो पूछा विकर्ण की संख्या कितनी है, तो मैंने आपको क्या बोला था? एक पॉइंट से कितने विकर्ण जाएंगे, क्या करना पड़ता है? जितनी भुजा हो उससे तीन कम कर लो, तो एक पॉइंट से विकर्ण जाएंगे सात। अब ऐसे सारे पॉइंट कितने हैं? तो भुजाएं कितनी? 10, तो पॉइंट भी हुए 10। और उसके बाद क्या करना था? इसका आधा करना है, ये आधा, तो 2 से 10 कट गया कितनी बार? 5, और 10 में से 3 गया तो कितना आया? 7, तो 5 का गुणा 7 से, 5 × 7 कितना हो गया दोस्तों? 35। तो विकर्ण की संख्या कितनी आई? 35। क्लियर, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखो। यदि किसी बहुभुज में 12 त्रिभुज हो तो उसमें भुजा की संख्या कितनी हुई? या फिर और पूछे कि बताओ यहां विकर्ण की संख्या कितनी होगी, आपसे भुजा भी नहीं पूछे और सीधा अगर ये पूछ लेता तो भी देखो दोनों बताता हूं। यदि किसी बहुभुज में 12 त्रिभुज हो, वैसे मैंने त्रिभुज गिनना सीखा था, वही बोला था जितनी भुजाएं होती है उससे दो कम त्रिभुज होते हैं। जितनी भुजाएं होती है उससे दो कम त्रिभुज होते हैं, तो अगर आपको पता है कि त्रिभुज 12 है तो भुजाएं दो ज्यादा होगी। त्रिभुज भुजाओं से दो कम होते हैं और त्रिभुज पता है मुझे भुजा निकालने, तो भुजाएं दो ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब ट्राइंगल त्रिभुज अगर 12 है तो भुजाओं की संख्या दो ज्यादा होगी, तो भुजाओं की संख्या 14 होगी। अब वो बोल रहा भुजाओं की संख्या बताओ, इसका आंसर तो यही आ गया। लेकिन अपन आगे बढ़ते हैं, विकर्ण की संख्या निकालते हैं। तो विकर्ण की संख्या निकालें तो इसका मतलब एक पॉइंट से कितने विकर्ण जाएंगे, तो भुजाएं कितनी? 14।
14 में से 3 कम कर लो, ठीक है, ये हुआ एक पॉइंट से। सारे पॉइंट कितने, जितनी भुजाएं हैं, और बटा में 2, 2 से कितने बार कट गया, 7 बार, 7 इंटू कितना 11, और 11 इंटू 7 कितना हो गया 77। तो यहां पर टोटल विकर्ण की संख्या कितनी है दोस्तों, 77। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यदि प्रत्येक बहिष्कोण कितना है 20 डिग्री है, प्रत्येक बहिष्कोण 20 डिग्री हो तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। अभी आगे मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था कि अगर भुजाओं की संख्या निकालनी पड़े कभी भी कि कितनी भुजाएं हैं, तो क्या करना, 360 डिग्री में प्रत्येक बहिष्कोण का भाग लगा देना, प्रत्येक बहिष्कोण का भाग लगा दो, आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब है सभी कोणों का यो, ये बहिष्कोण का 360 होता है, 360, और प्रत्येक बहिष्कोण कितना है 20, 20 का भाग लगा दो, ये 20 का भाग लगाओ 2 से 36 कितनी बार, 18 बार। इसका मतलब भुजाओं की संख्या n का मान कितना हो गया 18। आगे चाहे कुछ भी पूछो, और त्रिभुज की संख्या पूछ ले, विकर्ण की संख्या पूछ ले, बस आप तो ध्यान रखो एक बार अगर भुजाओं की संख्या आ गई आगे सब आ जाएंगे। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखो, सभी अंतःकोणों का योग 1080 हो। इस बार देखो सभी अंतःकोणों का योग दे रखा है, और सभी अंतःकोणों का योग कहां से आता दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाते समय आगे बताया था कि सभी अंतःकोणों का मान कभी आ जाए तो त्रिभुज से लेके आना। सभी अंतःकोणों का योग कहां से लाए थे अपन, याद हो फॉर्मूले में तो याद करो कि जितने त्रिभुज होते हैं उसको 180 से गुणा करते हैं, जितने त्रिभुज होते हैं। अब ये त्रिभुज कितने होते हैं, तो जितनी भुजाएं होती है उससे 2 कम त्रिभुज होते हैं, जितनी भुजाएं होती है उससे 2 कम त्रिभुज होते हैं, और सभी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, तो एक त्रिभुज 180 डिग्री का होता है, तो जितने त्रिभुज होंगे उसको 180 से गुणा करेंगे, उससे क्या मिल जाएगा, सभी अंतःकोणों का योग मिल जाएगा। और सवाल वाला कह रहा है कि सभी अंतःकोणों का योग 1080 है, तो ये 1080 इसका मान हो गया, फिर तो सभी अंतःकोणों का योग पहले ही दे रखा है। अब ये गुणा में है तो उधर कहां जाएगा, भाग में जाएगा, तो एन माइनस टू इक्वल टू 1080 बटा में 180, 0, 0, 18 से काट दो कितनी बार, 6, 18, 6, 108, तो n माइनस टू का आंसर आया 6। अब 2 को उधर भेज दो, अब 2 उधर जाएगा तो उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 6 प्लस 2, और 6 प्लस 2 का आंसर कितना आया दोस्तों, 8 आया। इसका मतलब हुआ कि भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, 8। तो सभी अंतःकोणों का योग कभी दे रखा हो, बस मेन एक यही सवाल है थोड़ा बड़ा जो पड़ता है, सभी अंतःकोणों का योग दे रखा हो तो आप इसको ऐसे करोगे, कैसे, त्रिभुज की संख्या को 180 से गुणा करके इसको इक्वल करोगे जितना आपको अंतःकोणों का योग दे रखा है। क्लियर हो जाएगा, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। और आगे दे रखा है यदि भुजाएं 18 हो तो प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होगा, तो भुजाएं कितने हो 18, क्या पूछा है, प्रत्येक अंतःकोण का मान, और मैंने आपको आगे बोला था कि अंतःकोण कभी भी निकालो, प्रत्येक अंतःकोण, सभी अंतःकोण, बहिष्कोण जो भी निकालना है आपको हमेशा बहिष्कोण से अंतःकोण पे आना है। ध्यान ना, अभी पिछले सवाल में क्या सभी अंतःकोणों का योग दिया था इसलिए अपन त्रिभुज आए थे, लेकिन अगर प्रत्येक अंतःकोण या किसी का ही मान आए हमेशा बहिष्कोण से आओगे। तो अब आते हैं, भुजाएं कितनी है 18, और अपन ने क्या फॉर्मूला पढ़ा है कि प्रत्येक बहिष्कोण अगर निकालना हो, प्रत्येक बहिष्कोण निकालना हो तो सबसे लास्ट में आपको फॉर्मूला पढ़ाया था क्या करना, 360 में भुजाओं की संख्या का भाग लगा देना। तो 360 में 18 भुजाएं हैं, इसका भाग लगाओगे तो 18 से भाग लगाने पर कितना आया 20, इसका मतलब प्रत्येक बहिष्कोण आ गया 20। ठीक है, अब प्रत्येक अगर बहिष्कोण पता है तो अंतःकोण तो आपको पता चल ही गया होगा, अब तक मेरा लिखने की देर नहीं है अब तो। तो प्रत्येक अंतःकोण कितना है, तो बहिष्कोण अगर बाहर वाला कोण 20 डिग्री है तो अंदर वाला कोण कितना होगा, 180 में से 20 घटा दो, क्योंकि अंतःकोण और बहिष्कोण का योग कितना होता है 180, तो 180 से 20 घटा दो तो अंतःकोण का मान कितना आया 160 आया। और अगर ये सवाल मैं यूं पूछता बताओ सभी अंतःकोणों का मान कितना होता, तो आप समझो भुजाएं कितनी है 18, तो कोण भी कितने होते हैं 18, प्रत्येक अंतःकोण अगर 160 का है तो 160 को 18 से गुणा कर लेते हैं। क्लियर बात, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, यदि भुजाएं 20 हो तो सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा, ठीक है आ गया सवाल, सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा। अब भुजाएं अगर 20 है, अगर आपको भुजाएं अंतःकोण निकालना, मैंने अभी क्या बोला बहिष्कोण से लाना, चलो अब तो आपको पता चल ही गया होगा,
प्रत्येक बहिष्कोण, ठीक है, प्रत्येक बहिष्कोण का मान किससे आता है? प्रत्येक बहिष्कोण आएगा 360 में भुजाओं का भार लगाओ, भुजाएं कितनी है 20, 20 का भार लगाया 0 0, कितना आया 18, इसका मतलब प्रत्येक बहिष्कोण आ गया 18 डिग्री। तो अंतःकोण कितना हुआ? तो प्रत्येक अंतःकोण निकाल देते हैं, प्रत्येक अंतःकोण 180 डिग्री में से 18 कम कर लो, तो 180 में से 18 कम करो कितना आएगा 162 डिग्री। इसका मतलब प्रत्येक अंतःकोण ज्ञात हो चुका है। अब वो क्या पूछ रहा है? सभी अंतःकोणों का योग बताओ। ऐसा वैसे सवाल बहुत कम आता है, लेकिन आपको मैं सब बता रहा हूं। सभी अंतःकोणों का योग, तो इसका मतलब भुजा कितनी 20, तो कोण भी कितने हुए 20 हुए। अब सभी अंतःकोणों का योग निकालना, तो एक अंतःकोण आपको पता है, तो सभी अंतःकोणों का योग, सभी अंतःकोणों का योग, एक अंतःकोण है 162 का, तो ऐसे कोण है 20, तो इसका कर दो डबल, ठीक है। तो 2 का गुणा करना है, 2 4 और 16 का 32 और पीछे 0, 3240 डिग्री, ये हुआ सभी अंतःकोणों का योग। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है एक सम बहुभुज में एक अंतःकोण और एक बहिष्कोण का योग कितना होगा, ये तो अपन वैसे हर सवालों में पढ़ रहे हैं। तो एक अंतःकोण और एक बहिष्कोण, तो एक अंतःकोण और एक बहिष्कोण, ठीक है, एक है, एक ने लिखा है, लिख देता हूं और आप गलत नहीं समझ जाओ कि सर ने ऐसा क्यों लिखा है। एक अंतःकोण और एक बहिष्कोण का योग हमेशा किसके बराबर होता है? हमेशा होता है 180, और लैंग्वेज में लिखूं तो दो समकोण के बराबर। किसके बराबर? दो समकोण के बराबर। क्लियर दोस्तों? ये था आपका बहुभुज का टॉपिक, और बहुभुज का टॉपिक आई थिंक जितना डिटेल में मैंने समझाया है, आई थिंक मुझे लगता है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो और दूसरा ये कि जो लोग ऐप पे पढ़ रहे हैं, आप लोगों को बता दूं 9 बजे मैं YouTube पे पढ़ाता हूँ रोज, ठीक है, तो 9 बजे आप YouTube पे आके पढ़ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।